हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं आज। इसका नाम है मेमोरी और लर्निंग हम कर चुके हैं। इससे रिलेटेड है चैप्टर मेमोरी, और मेमोरी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स पढ़ेंगे मेमोरी के, अलग अलग जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में आते ही हैं ज़्यादातर। एम में कोई पढ़ रहा है तो उसके एग्ज़ाम में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। चैप्टर थोड़ा सा ये भी इम्पॉर्टेंट ही है साइकोलॉजी के सब्जेक्ट का, लर्निंग भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। तो मेमोरी में सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दी हुई है, जिसमें इन्होंने एक पर्सन का नाम बताया हुआ है, ब्रैड विलियम्स। ये नाम इन्होंने स्पेशली इसलिए बताया हुआ है कि इसकी जो मेमोरी थी वो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी थी। ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब होता है कि इसको ज़्यादातर अपने सारी पुराने इवेंट्स, जिस इसकी लाइफ के, इसके साथ जो जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, एक्चुअली इसको सारे याद थे। अब जैसे हमें अपने अभी तक के जितने भी बचपन से लेके अभी तक जो जो हमारे साथ एक्सपीरियंस हुए हैं, तो हमें सारे थोड़ी ना याद है। हमें कुछ कुछ चीज़ें याद है, कुछ कुछ चीज़ें भूल चुकी हैं। और याद भी है तो हमें ये नहीं पता ना कि उस दिन क्या डेट थी, उस दिन क्या टाइम था, उस दिन किस तरह का मौसम था। इस बंदे की जो मेमोरी है, जिसके लिए एक वर्ड और यूज़ करते हैं, हाइपरथीमीशिया। हाइपरथीमीशिया क्या होता है? इसमें ना क्या, पर्सन को अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत क्लियरली याद होते हैं। प्लस ये भी पता होता है कि उस दिन क्या टाइम था, उस दिन क्या डेट थी और किस तरह का वेदर था, उसने क्या पहना हुआ था, कौन से कलर का पहना था। इस तरह की मेमोरी होती है। मतलब कोई भी न्यूज़, इवन इसने कोई न्यूज़ भी उस दिन देखी होगी टीवी पे या कहीं, तो वो भी एग्जैक्टली उस दिन का टाइम और डेट और वेदर ये सब उसके बारे में बता सकता है। तो न्यूज़ इवेंट हो गया या पर्सनल इवेंट हो गए, जो एक्सपीरियंसेस इसके साथ हुए हैं, वो इसको इतने ज़्यादा इसकी मेमोरी में, क्योंकि ये स्पेशल एबिलिटी है कि इसको वो सारी चीज़ें याद रहती है। इसकी कुछ यूट्यूब वीडियोज़ हैं, आप ये नाम डाल के इसका यूट्यूब में देख सकते हो। उसमें इसके इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं न्यूज़ चैनल वालों ने। अब तो ये थोड़ा सा पुराना है, मतलब एज, ये काफ़ी पहले के वो है, पहले की ही स्टडी है, काफ़ी पहले की है ये, अभी कोई लेटेस्ट बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। तो यूट्यूब में आप देखोगे आपको पुरानी वीडियोस मिलेंगी। तो मेमोरी में, क्योंकि ये यहाँ पे क्यों उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि क्या हमारी मेमोरी में क्या है कि कुछ चीज़ें याद रहती है, कुछ हम भूल जाते हैं, तो उससे क्या पता चलता है कि मेमोरी के अंदर हमारी कैपेसिटी कम है, या मेमोरी के अंदर चीज़ें स्टोर्ड रहती हैं लेकिन हम उसको रिट्रीव नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते सही टाइम पे। तो किस तरह की है मेमोरी, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे हम आगे। मेमोरी के बिना हम लर्निंग नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो कि ये वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कोई भी चीज़ लर्न करने का, मेमोरी। तो थ्री प्रोसेस ऑफ मेमोरी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, थ्री प्रोसेस होते हैं मेमोरी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। एनकोडिंग मतलब जब कोई चीज़ हम ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं, जिसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, अपने दिमाग में कोई चीज़ डालते हैं याद करने के लिए, एनकोडिंग हो जाता है। स्टोरेज मतलब जब हम उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश करते हैं, परमानेंटली होती है, टेम्परेरीली होती है। रिट्रीवल मतलब जब उसको वापस याद करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देख लेते हैं एक बारी। Memory is a process, but it also has a place in the brain as well. Perhaps the best definition of memory is an active system that receive information from the senses. हमारी memory को information कहाँ से मिलती है? जितनी भी senses हैं हमारी, वहीं से मिलेगी ना हमारी visual information जो होती है, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम touch करते हैं, जो smell करते हैं, taste करते हैं, जो हमारे को feel होती है, pain feel होती है, जो कुछ भी, जो भी हम learn कर रहे हैं, वो हमारी senses के through ही तो जा रही है। तो सेंसेस से इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको वो स्टोर कर लेता है एंड देन उसको रिट्रीव करता है उस इंफॉर्मेशन को जब हमें चाहिए होती है। तो यही है मेमोरी। थ्री प्रोसेसेस का मतलब ये है कि पहला प्रोसेस तो हो गया एनकोडिंग, जिसको बोलते हैं पुटिंग इट मतलब माइंड के अंदर पुट करना कोई चीज़। फर्स्ट प्रोसेस इन द मेमोरी सिस्टम इज टू गेट सेंसरी इन्फॉर्मेशन। सेंसरी इन्फॉर्मेशन साइट साउंड, ये एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड एनकोडिंग। एनकोडिंग इज द सेट ऑफ मेंटल ऑपरेशन दैट पीपल परफॉर्म ऑन सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू कन्वर्ट दैट इन्फॉर्मेशन
इनटू अ फॉर्म दैट इज यूजेबल इन द ब्रेन स्टोरेज सिस्टम. तो जो हमें इंफॉर्मेशन सेंसेस से मिलती है उसको हम अपने ब्रेन में हमारे ब्रेन में वो इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होकर जाती है जिससे उसका कुछ इंटरप्रिटेशन कर सके ब्रेन, जिसको हम ट्रांसडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं, जो हमने उसमें पढ़ा था न्यूरॉन्स में जब हम पढ़ रहे थे. तो वो जो सिग्नल ट्रांसफॉर्म होके हमारे ब्रेन पे जाते हैं, जो हमारे सेंसरी सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होके न्यूरल मैसेज बनके जब हमारे ब्रेन के पास जाते हैं तो उसको बोलते हैं एनकोडिंग. एनकोडिंग इज नॉट लिमिटेड टू टर्निंग सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू सिग्नल फॉर द ब्रेन. एनकोडिंग इज अकम्प्लिश्ड डिफरेंटली इन ईच ऑफ थ्री डिफरेंट स्टोरेज सिस्टम ऑफ मेमोरी. इन वन सिस्टम एनकोडिंग में इन्वॉल्व रिहर्सिंग इन्फॉर्मेशन ओवर and keep it in the memory, whereas another system encoding involves elaborating on the means of information. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि encoding का मतलब खाली ये नहीं होता कि information आप brain तक भेज रहे हो तो वो encoding हो गया. इसके भी दो system और होते हैं. एक तो ये होता है कि आप कोई चीज़ rehearse कर रहे हो, बार बार रट्टा मार रहे हो, कोई चीज़ बार बार पढ़ के याद कर रहे हो, तो वो भी encoding हो रही है ना. और दूसरी कोई चीज़ आप elaborate कर रहे हो, मतलब आप उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहे हो. कोई भी चीज़ याद करने के दो तरीके होते हैं. देखो जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो रट्टा मार के याद करते हैं, बार बार चीज़ चीज़ को पढ़ते हैं, याद करते हैं, वही सेम टू सेम लिख के आ जाते हैं, वो रिहर्सिंग हो गया. कुछ होते हैं जो एलैबोरेट करके याद करते हैं, मतलब पूरे उस चीज़ का मीनिंग समझ लेते हैं, उसको अपनी लैंग्वेज में लिख के आते हैं. तो ये दोनों चीज़ें होती हैं. तो ये दोनों ही एनकोडिंग के तरीके हैं. आप अपने ब्रेन में कैसे इन्फॉर्मेशन एनकोड कर रहे हो, ये दोनों तरीके हैं उसके. फिर आ जाता दूसरा जो प्रोसेस था. पहला प्रोसेस था एनकोडिंग, दूसरा प्रोसेस आ जाता है कि स्टोरेज. स्टोरेज क्या है, नेक्स्ट स्टेप है. जब आप एनकोड कर लेते हो इन्फॉर्मेशन तो वो थोड़ी देर के लिए आपके माइंड में रहती है, ठीक है, स्टोरेज में रहती है. अब ये डिपेंड करता है कि ये आपके माइंड में कितनी देर वो चीज़ रहती है, आपने उसको रिहर्सल कितना किया है, एलैबोरेट कितना किया है, ऊपर के प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि स्टोरेज कितनी देर की होती है, परमानेंट है कि टेम्परेरी है. स्टोरेज पीरियड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम विल एक्चुअली बी ऑफ डिफरेंट लेंथ डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम ऑफ इन मेमोरी यूज, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जिस मेमोरी सिस्टम में पीपल होल्ड ऑन इन्फॉर्मेशन जस्ट लॉन्ग इनफ टू वर्क इन विद इन 20 seconds और सो, तो एक सिस्टम तो ऐसा है जिसमें आप 20 seconds तक याद रख लेते हो, उसके बाद उस काम का हो जाता है तो वो भूल जाता है. जैसे आपने किसी का फ़ोन नंबर सुना, आपने उसको अपने माइंड में एक दो बार रिपीट किया, आपने फ़ोन डायल किया, आपकी बात हो गई, उसके बाद वो नंबर आप भूल गए, ठीक है. एक होता है जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन मोर और लेस परमानेंटली होती है, ठीक है. तीसरा प्रोसेस आता है गेटिंग इट आउट, रिट्रीवल. अब गेटिंग इट आउट या रिट्रीवल का मतलब ये है कि कोई चीज़ आपने जो स्टोर करी हुई है उसको आप याद करने की कोशिश करते हो. सबसे मुश्किल चीज़ है ये, क्योंकि याद करना ही तो बहुत मुश्किल हो जाता है. चीज़ें स्टोर हो, क्या पता स्टोर हुई है या नहीं हुई है, स्टोर हो गई है तो वो याद कैसे आएगी. सो रिट्रीवल प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड, अभी बाद में कह रहे हैं रिट्रीवल के बारे में हम बाद में नीचे पढ़ेंगे. यहाँ पे ये फोटो दे रखी है उस पर्सन की जो मैंने ऊपर बात की थी, ब्रैड विलियम्स, इसी डॉक्टर के साथ है, न्यूरो साइंटिस्ट के साथ, क्योंकि इसके ब्रेन के ऊपर फिर बाद में बहुत स्टडीज़ हो रही है ना कि ये कैसे इस तरीके से इसकी मेमोरी. अब आते हैं मॉडल्स ऑफ मेमोरी पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये मॉडल्स ऑफ मेमोरी तो आते ही हैं, तो 11th 12th में भी हमने कुछ मॉडल्स ऑफ मेमोरी पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे शायद वो कुछ रिपीट ही होंगे. मेमोरी एक्सपर्ट्स हैव प्रपोज सेवरल डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट मेमोरी. द मॉडल दैट मेनी रिसर्चर्स फील इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव and has perhaps the been the most influential of the last several years in the information processing model. तो ये वाला मॉडल जो है ज़्यादातर रिसर्चर्स को ज़्यादा अच्छा लगता है, कहते हैं ये वाला मॉडल जो है वो सही एकदम बताता है कि किस तरीके से मेमोरी काम करती होगी. This approach focuses on the way information is handled, processed through three different systems of memory. The process of encoding, storage and retrieval as the. तो ये information processing model वही मॉडल है जिसमें ये तीन प्रोसेसेस होते हैं, एनकोडिंग के, स्टोरेज के और रिट्रीवल के. और यही मॉडल सबसे ज़्यादा जो कहते हैं रिसर्चर्स सूटेबल है, हमको मेमोरी के बारे में अगर पढ़ना है तो ये मॉडल सबसे ज़्यादा बेस्ट है. वेन इट इज़ कॉमन टू रेफर टू द थ्री सिस्टम्स ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एज स्टेजेस ऑफ द मेमोरी, तो इसी को ये थ्री स्टेज मेमोरी भी मॉडल भी बोल देते हैं कई बार. That term seems to be imply a sequence of event. While many aspects of memory formation may follow a series of the step or stages, there are those who see memory as a simultaneous process. हम यहाँ कह रहे हैं कि ये वाला मॉडल तो ये बोलता है कि भाई मेमोरी स्टेप में चलती है, पहले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3.
लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मेमोरी साइमल्टेनियसली काम करती है, कभी स्टेप्स में नहीं होती है, मतलब सारी चीज़ें एक साथ चलती है, स्टेप वाइज नहीं होता है। विद द क्रिएशन एंड स्टोरेज ऑफ मेमोरी टेकिंग प्लेस एज अ सीरीज ऑफ मेंटल नेटवर्क स्ट्रेच अक्रॉस द ब्रेन। अब जो दूसरे जिन्होंने दूसरा मॉडल प्रपोज किया वो ये बोलते हैं कि स्टेप वाइज मेमोरी काम नहीं करती है, साइमल्टेनियसली सब कुछ पैरेलल काम करता है। दिस साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग अलाउज पीपल टू रिट्रीव मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ मेमोरी एट ऑल वंस, फास्ट रिएक्शन, क्योंकि हमारा जो रिएक्शन होता है, डिसीजन होता है, वो बहुत फास्ट होता है। तो कह रहे हैं अगर ऐसे स्टेप वाइज होगा तो अब तो बहुत स्लो हो जाएंगे रिएक्ट करने में। तो इसीलिए दूसरे रिसर्चर्स कहते हैं कि ऐसे स्टेप वाइज कुछ नहीं होता है, बहुत फास्ट है सिस्टम, पैरेलल सब कुछ चलता है। द मॉडल ऑफ मेमोरी डिराइव फ्रॉम द वर्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड। तो यही जो साइमल्टेनियस चलने की बात कर रहे हैं इसी मॉडल को बोलते हैं पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल। पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल कहते हैं जैसे कंप्यूटर में होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ये चीज़ यूज करी जाती है कि सब चीज़ें बहुत फास्ट काम करती हैं और सारे पैरेलल नेटवर्क होते हैं, स्टेप वाइज कुछ नहीं होता है। क्योंकि स्टेप वाइज होगा तो बहुत स्टेज वाइज अगर होगा कि पहले एनकोड हो रहा है, फिर वो स्टोर हो रहा है, रिट्रीव हो रहा है, अगर ऐसे होने लगा तो बहुत स्लो हो जाएगा हमारा रिएक्शन। तो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल बोलते हैं कि सारी चीज़ें, बहुत सारे कनेक्शन हैं हमारे ब्रेन में, सारी चीज़ें बहुत फास्ट होती हैं और साइमल्टेनियस होती हैं। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल अज्यूम्स दैट द लेंथ ऑफ टाइम दैट मेमोरी विल बी रिमेम्बर डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ मेमोरी इन विच इट इज स्टोर्ड। अब इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो ऊपर वाला हम कह रहे थे स्टेज वाला, वो ये कहते हैं कि कितनी देर तक इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में रहती है ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे, किस स्टेज पे स्टोर हुई है मेमोरी, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पे है। स्टेज वन पे है, स्टेज टू पे है, वन पे है तो बहुत जल्दी उठ जाएगी, टू पे है तो थोड़ा ज़्यादा देर तक स्टोर रहेगी, स्टेज थ्री पे है तो और ज़्यादा देर तक स्टोर रहेगी। तो वो ये बोलता है। अदर रिसर्चर्स हैव प्रपोज दैट अ मेमोरीज ड्यूरेशन डिपेंड ऑन द डेप्थ एफर्ट मेड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग टू विच इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड और एनकोडेड। लेकिन दूसरा एक जो मॉडल है जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो कह रहे हैं कि स्टेज पे डिपेंड नहीं होता, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम उसको कितनी डीपली उस इन्फॉर्मेशन को समझ रहे हैं। और आई थिंक ये एक सही बात है कि हम किसी इन्फॉर्मेशन को कितना डीपली डेप्थ में जाके पढ़ रहे हैं उस पे डिपेंड करता है कि वो हमारे माइंड में कितनी देर तक रहती है, ना कि इस पे कि वो हमारे मेमोरी के कौन से स्टेज पे कितनी देर तक रुकी है। जब हम डीपली किसी चीज़ का मीनिंग समझते हैं तो वो हमें वर्ड टू वर्ड याद नहीं होता, लेकिन हमारे माइंड में वो चीज़ रहती है। तो डेप्थ, तो दूसरा मॉडल यही कह रहा है कि जब हम ये इस पर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कितना डेप्थ में जाके अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारे माइंड में वो चीज़ किस लेवल। लेकिन इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल बोलता है कि स्टेज पर डिपेंड करता है। अभी इन्होंने एग्जाम्पल देखिए समझाया, जैसे ये समझो ये वर्ड है बॉल, BALL, अगर हम इसको सुपरफिशियली खाली देखते हैं तो ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, इसमें तीन अल्फ़ाबेट्स यूज हुए हैं, इस तरीके से हम खाली इसको देखेंगे तो इस तरीके से ये हमें, हमने इसको डीपली नहीं समझा है, हमने खाली ऊपर ऊपर से देख लिया है क्या लिखा हुआ है और इसको हम एज इट इज़ लिख के आ जाएंगे जिस तरह लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया कि जब हम ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर तक हमें याद रहती है, लेकिन हम इसका मीनिंग समझ जाएंगे कि ये बॉल लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, इसको खेलने के लिए यूज़ करते हैं, अगर हम इसको डीपली समझ लेंगे तो वो चीज़ हमें परमानेंटली याद हो जाएगी, मीनिंग समझ लेंगे अगर इसका। तो ये जो मीनिंग समझने वाली बात कर रहा है ये मॉडल है लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग कहता है कि किस लेवल पर जाके आपने उसको समझा है, डीपर लेवल पर जाके समझा है या सुपरफिशियल लेवल पे। तो जितना ज़्यादा डीपर लेवल पे जाके आप उसको प्रोसेस करोगे समझोगे उतना ही ज़्यादा आप उसको ज़्यादा देर तक याद रख पाओगे। तो ये लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल क्या कहता है कि स्टेज वाइज होता है, स्टेज वाइज डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज पे है वो चीज़ जो आपने याद की है। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल बोलता है कि आपने किस लेवल तक जाके उसको समझने की कोशिश की है उस पर डिपेंड करता है कि हमें कोई चीज़ कितना याद रहती है। अगर आप इस पिक्चर को देखो तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक सेंसरी मेमोरी है, एनकोडिंग हो रही है, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी है और उसकी यहाँ पे उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन जा रही है सेंसरी मेमोरी में। सेंसरी मेमोरी क्या है, जो हमारी सेंसेस से इन्फॉर्मेशन लेके अपने पास रखती है।
ऑल द इंफॉर्मेशन लॉस्ट विद इन अ सेकेंड और सो, इस जगह से इंफॉर्मेशन 1-2 सेकेंड में ही उड़ जाती है। लेकिन अगर आप उस चीज़ पर ध्यान दो, सिलेक्टिव अटेंशन, मतलब अगर आप उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दो तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहती है 15 से 30 सेकेंड, यहाँ पे कितनी थी 1 सेकेंड, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहती है 15 से 30 सेकेंड। लेकिन अगर उसको आप रिहर्स नहीं करते तो वो उड़ जाती है। अगर आप इसको रिहर्स करते हो, मेंटेनेंस रिहर्सल, मतलब वही आप याद कर रहे हो, रट्टा मार रहे हो, रिहर्स कर रहे हो, तो ये आगे जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या लिखा हुआ है कि इनडेफिनेटली और तो सम इंफॉर्मेशन मिल, यहाँ पे कोई डेफिनेट टाइम नहीं है इनडेफिनेटली, मतलब पता नहीं कितनी देर तक रहेगी, ज़्यादा देर तक रहती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा देर तक रहती है, पर ये नहीं पता, हो सकता है लाइफ टाइम तक भी याद रहे। लेकिन यहाँ से रिट्रीव करना मुश्किल हो जाता है। इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँच तो जाती है बहुत देर तक के लिए परमानेंटली, पर यहाँ से वापस इन्फॉर्मेशन याद करके अपनी सेंसेस में लेके आना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हमें सारी चीज़ें याद नहीं आती, कुछ चीज़ें याद आती, कुछ चीज़ें नहीं याद आती। तो ये कौन सा मॉडल है यहाँ पे? अब 3 स्टेजेस दिख रही हैं आपको यहाँ पे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो 3 स्टेज मॉडल है ये। इंफॉर्मेशन एंटर्स थ्रू सेंसरी सिस्टम, ब्रीफली रजिस्टरिंग इन सेंसरी मेमोरी। सिलेक्टिव अटेंशन फिल्टर द इंफॉर्मेशन इनटू शॉर्ट टर्म मेमोरी वेयर इट इज हेल्ड वाइल अटेंशन रिहर्सल कंटिन्यूज। द इंफॉर्मेशन रिसीव इन अ रिहर्सल मेंटेनेंस एलैबोरेटिव इट विल एंटर। तो मेंटेनेंस रिहर्सल क्या होता है? जब आप रट्टा मारते हो। इलैबोरेट रिहर्सल होता है जब आप उसका मीनिंग समझते हो। तो इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन कितनी देर तक रुकेगी। अब आगे देख लेते हैं, विच मॉडल इज राइट, कौन सा मॉडल सही है आपको लग रहा है? ऊपर जो हमने 3 पढ़े हैं, एक तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल बोल रहे हैं जो कहते हैं कि कौन सी स्टेज पे है उस पर डिपेंड करता है, दूसरा हमने पढ़ा है कि कितना डीपली आप करते हो उस पर डिपेंड करता है, तीसरा ये कह रहा था कि, अभी इन्हीं दोनों की बात कर लेते हैं। इन दोनों में से आपको कौन सा मॉडल ठीक लग रहा है, कौन सा करेक्ट है मेमोरी के बारे में? तो आंसर क्या है कि दैट ऑल दीज मॉडल्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन सम इफ नॉट ऑल रिसर्च फाइंडिंग्स। ईच ऑफ दीज व्यूज ऑफ द वर्किंग ऑफ मेमोरी कैन बी सीन एज स्पीकिंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेमोरी। तो कह रहे हैं दोनों ही मॉडल एक तरीके से मेमोरी को समझा रहे हैं, हम दोनों को कंबाइन लेके चलते हैं तभी हमें समझ में आता है। अगर आप एक मॉडल रिजेक्ट कर दोगे तो आपको आधी, तब भी आपको क्लैरिफिकेशन नहीं होगी मेमोरी कैसे काम करती है, दूसरा कर दोगे तो भी। तो दोनों को एक साथ ही लेके चलना पड़ेगा क्योंकि दोनों मॉडल्स ही सही बात कर रहे हैं, क्योंकि इस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पे है, और इस पर भी डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना डीपली समझा है। एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है यहाँ पे कुछ, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल प्रोवाइड्स बिग पिक्चर व्यू ऑफ हाउ वेरियस मेमोरी सिस्टम रिलेट टू ईच अदर, हाउ मेमोरी मशीन वर्क्स। सो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो कहता है कि 3 प्रोसेस होते हैं, 3 स्टेजेस, वही कहता है कि कैसे मेमोरी काम करती है, ये समझाता है हमें, ठीक है। PDP मॉडल क्या समझाता है? पैरेलल वाला मॉडल इज लेस अबाउट द मैकेनिक्स ऑफ मेमोरी एंड मोर अबाउट कनेक्शन एंड टाइमिंग ऑफ मेमोरी। PDP मॉडल ये कहता है कि भाई एक एक करके नहीं होता, सारी चीज़ें एक साथ प्रोसेस करती हैं, तो उसके कनेक्शन के बारे में बताता है, टाइमिंग के बारे में बताता है, इसलिए PDP मॉडल भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा मॉडल जो है, द डेप्थ टू विच इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस कैन बी सीन थ्रू अडजस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ दोस पैरेलल कनेक्शन एंड ईच ऑफ 3 मेमोरी सिस्टम स्ट्रेंथन द ड्यूरेशन ऑफ मेमोरी इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। तीसरा मॉडल ये कहता है कि आप जितना डीपली उसको प्रोसेस करते हो उतने आपके कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं, उतना ज़्यादा आपको कोई भी चीज़ याद रहती है। तो तीनों ही मॉडल्स मिल के बता रहे हैं आपको कि हमारी मेमोरी कैसे काम करती है। तो तीनों मॉडल्स इंपॉर्टेंट हैं, हम किसी भी मॉडल को रिजेक्ट नहीं कर सकते अभी के लिए। क्या कह रहे हैं कि जो प्रोसेसिंग मॉडल है ना, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो जो ऊपर हम देख रहे थे ये वाला, इसको हम थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये समरी आ गई यहाँ पे, 3 प्रोसेस मेमोरी के दिए हुए हैं। मेमोरी की डेफिनेशन है, एक्टिव सिस्टम दैट रिसीव ऑर्गेनाइज स्टोर्स एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। तो ये हमने जो थ्योरी थी डिस्कस करी थी। अब इसके बाद क्विज आ गया छोटा सा, इसको भी देख लेते हैं जिससे हमें आइडिया लग जाएगा हमें कितना समझ में आ गया जो अभी तक हमने। तो पहला क्वेश्चन है, एल्डन हैज जस्ट फिनिश्ड हिज एसे टेस्ट एंड हैंडेड इट इन। एज ही वॉक्स आउट ऑफ द क्लासरूम ही रियलाइजेज दैट देर आर अ फ्यू मोर थिंग्स ही शुड हैव इंक्लूडेड इन द एसे। एल्डन प्रॉब्लम इज इन द मेमोरी प्रोसेस ऑफ।
अब ये बोल रहा है कि एल्डन अपना ऐसे लिख रहा था, लिखते लिखते लिखने के बाद उसने अपना टेस्ट दे दिया, जब वो बाहर आया तो उसको याद आया कि मुझे तो कुछ और भी उसमें ऐड करना था जो उसको बाहर आके याद आया। तो किस चीज़ में प्रॉब्लम आई यहाँ पे उसको, इनकोडिंग में, स्टोरेज में, रिट्रीवल में, रिटेंशन में? तो यहाँ पे उसको रिट्रीवल में प्रॉब्लम आई ना, उसको याद करने में प्रॉब्लम आई, मतलब तो वापस उसको इन्फॉर्मेशन को याद लेके आने में अपने माइंड में, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन एडी स्टडीज हर साइकोलॉजी टर्म, शी ट्राइज टू टाई ईच कॉन्सेप्ट इन टू समथिंग शी ऑलरेडी नोज, शी थिंक्स अबाउट द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट रेदर देन जस्ट सेइंग द वर्ड्स ओवर एंड ओवर, विच मॉडल ऑफ मेमोरी वुड एक्सप्लेन। सिंपल क्वेश्चन है, एडी जब अपनी साइकोलॉजी की टर्म्स याद करती है तो वो हर टर्म का मीनिंग याद करने के लिए उसको किसी ना किसी चीज़ के साथ जोड़ लेती है, ठीक है, जो चीज़ वो ऑलरेडी जानती है। जैसे वो अपने माइंड में कोई चीज़ याद कर रही है, जैसे वो अगर माइंड में क्लासिकल कंडीशनिंग याद कर रही है तो वो उसको किसी वर्ड के साथ जोड़ लेगी, जैसे कंडीशनिंग को एयर कंडीशनर से मीनिंग से जोड़ लिया, तो उससे उसको क्या है चीज़ों को समझ के याद करने में इजी रहता है, ना कि वो रट्टा मार के याद नहीं करती, ओवर एंड ओवर उसको रट के याद नहीं कर रही है, वो उसको मीनिंग से याद कर रही है। तो ये कौन सा मॉडल है, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल है, पैरेलली डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के 3 स्टेज मॉडल? तो ये वाला है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है, जिसमें हमें ये बता रहे कि जितना ज़्यादा डीप लेवल में पढ़ेंगे उतना याद रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, लॉन्ग अगो इन द डार्क एजेस ऑफ टेलीविजन, व्हेन अ टेलीविजन सेट वॉज टर्नड ऑफ, इट टुक अ व्हाइल फॉर द लास्ट इमेज दैट वॉज ऑन स्क्रीन टू फेड अवे, दिस इज मोस्ट लाइक। तो ये वाला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब पहले पुराने टाइप के टेलीविजन होते थे, वो वाले टेलीविजन की बात कर रहा है जो पहले होते थे, जिनको बंद करते थे तो बंद होने के बाद भी उनकी स्क्रीन पे कुछ चीज़, एक लास्ट इमेज नज़र आती रहती थी थोड़ी देर के लिए, तो वो कौन सी मेमोरी है? बेशक ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि जो आइकॉनिक मेमोरी होती है, जो मतलब जो कोई इमेज हम देखते हैं जब वो हमारे माइंड में वो इमेज थोड़ी देर तक के लिए याद रहती है, उसको आइकॉनिक मेमोरी कहते हैं। तो ये इसका आंसर भी हम नीचे पढ़ेंगे इसको। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज टू कीप द फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन गोइंग बाय अलाउिंग अ पर्सन टू रिमेंबर वट वॉज जस्ट सेड। और कोई चीज़ अगर हमने सुनी हुई है वो हमें थोड़ी देर तक याद रहती है तो वो कौन सी मेमोरी होती है? तो इसको हम इकोइक मेमोरी कहते हैं, इकोइक। तो ये दो चीज़ें अभी हमने पढ़ेंगी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से ये स्टार्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।